ये जो सिगरेट बर्ड है ये ना ही सिर्फ इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पर ये वर्ल्ड वाइड नंबर वन लिटर्ड आइटम है। एक ऐसा केमिकल कॉम्पोजिशन डेवलप किया जिससे हम ये सिगरेट बर्ड्स हैं इसको हम 99% ट्रीट कर सकें। उसके हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे सॉफ्ट टॉयज, कुशंस। ये एक सिगरेट बर्ड है, इसको हम लोग सोचते हैं कि ये कॉटन है पर ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है क्योंकि ये लगता कॉटन जैसा है पर इसके अंदर जो फाइबर मटेरियल है उसको कम से कम 10 से 12 साल लगते हैं नेचुरली डिकम्पोज होने के लिए। ये जो सिगरेट बर्ड है ये ना ही सिर्फ इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पर ये वर्ल्ड वाइड नंबर वन लिटर्ड आइटम है। एस्टिमेट्स के हिसाब से 6.5 ट्रिलियन सिगरेट बर्ड्स एनुअली इररिस्पॉन्सिबली डिस्पोज किया जा रहा है। इंडिया में हमारे पास इसका कोई सल्यूशन नहीं है, इसका कोई अप्रोप्रिएट डिस्पोजल नहीं है और इसको हम लोग बस लैंडफिल में ये जा रहा है जिसके आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हमने काफ़ी सारे टेस्टिंग ट्रायल्स के बाद एक ऐसा केमिकल कॉम्पोजिशन डेवलप किया जिससे हम ये जो सिगरेट बर्ड्स हैं इसको हम 99% ट्रीट कर सकें। ये जो हमारा सिगरेट बर्ड्स को मैनेज करने का रिसाइकलिंग तक हमारी जो कंपनी है वो एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अभी करंटली हमें ऑलमोस्ट ये हमारा 6th ईयर रनिंग है, हमें 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं इस काम को करते हुए। विद इन दिस 5 ईयर्स वी हैव रीच अराउंड 250 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। इंटरनेशनली भी हमने प्रेजेंस अपनी बनाई है, अभी वियतनाम में हमारा ऑपरेशंस चल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट इंटरनेशनली भी इंडिया को रिप्रेजेंट करे। फर्स्ट स्टेप होता है पब्लिक को अवेयर करने का, उनको अवेयर करने के बाद हमने उनको एक वी बिन्स दिया, वैल्यू बिन्स हमारा ब्रांड नेम है। एक सिगरेट रिसेप्टिकल है वो, जिसको जो स्मोकर है या जो सिगरेट वेंडर है या फिर जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जहाँ पे एक स्मोकिंग रूम होता है वहाँ पे हमने अपने वैल्यू बिन्स प्लेस करने स्टार्ट करे जिससे कि जो स्मोकर है उसको एक अप्रोप्रिएट डिस्पोजल का ऑप्शन मिल सके। इसको हम लोग अपने फैक्ट्री में जब हमारे पास डिलीवर होता है इसको हम मैन्युअली सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद हमारे पास दो वेरिएंट्स निकलते हैं, एक जो उसके ऊपर कागज़ पेपर होता है और दूसरा जो अंदर जो फिल्टर होता है जो पॉलीमर मटेरियल है। तो ये दोनों पार्ट्स जब अलग हो जाते हैं तो इनका सेपरेट प्रोसेसिंग होता है। पहले जो फिल्टर होता है उसको हम श्रेड करते हैं जिससे वो अपना जो नेचुरल फॉर्म है वो लूज कर देता है। श्रेडिंग के बाद वो एक 24 से 36 आवर्स का ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू जाता है। जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है हमारा उसमें कोई मशीनरी इन्वॉल्व नहीं है, हमारे जो केमिकल्स हैं वो 100% बायोडिग्रेडेबल और ह्यूमन फ्रेंडली केमिकल्स हैं। आफ्टर दिस ट्रीटमेंट प्रोसेस ये एक नॉर्मल वॉशिंग और ड्राइंग के प्रोसीजर के थ्रू जाता है। आफ्टर ड्राइंग इसके क्वालिटी चेक होता है। क्वालिटी चेक होने के बाद उसको हम एक कार्डिंग मशीन के थ्रू प्रोसेस करते हैं जिससे वो मटेरियल यूजेबल और सॉफ्ट टाइप का बन जाता है। उसके बाद उसके हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसकी मेजर कैटेगरीज जो अभी हम प्रोड्यूस करते हैं जैसे सॉफ्ट टॉयज, कुशंस, की चेन्स, हैंडीक्राफ्ट्स, मैट्रेसेस। जो पेपर जो हमारे पास रिट्रीव होता है, ये जो पेपर होता है इसका हम लोग पहले इसको एक पल्प में डेवलप करते हैं। इसमें नॉर्मल वाटर डालते हैं और एक ऑर्गेनिक बाइंडर डालते हैं जिससे वो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये जो पल्प बनता है उसको हम लोग हमारे जो एक्सपर्ट लेडीज़ हैं उनको प्रोवाइड करते हैं जिसको वो लोग एक पेपर फॉर्मेट में प्रोड्यूस करते हैं। वो जो पेपर बनता है उसको हम लोग नॉर्मल सनलाइट से ड्राई करते हैं। ड्राई होने के बाद उसको जो हमें शेप्स चाहिए उस शेप में लाके वो एज अ मॉस्किटो रेपेलेंट हम उसे मार्केट में एन मॉस के नाम से सेल करते हैं। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है सिगरेट वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग का, इसके
दो से तीन बहुत मेजर बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला कि ये जो सिगरेट बड है, अगर हम इसको एफिशिएंटली मैनेज और रिसाइकल कर सकते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट को बेनिफिट होता है कि इस सिगरेट बड के जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरा ये बेनिफिट है कि जो हमारे सप्लायर्स हैं या जो हमारे साथ एज अ वॉलंटियर जुड़े हुए हैं, तो वो जितना ही मटेरियल हमें सप्लाई करते हैं उसका हम उन्हें मॉनेटरी बेनिफिट देते हैं, तो उन्हें एक रोज़गार का ऑप्शन मिलता है। साथ के साथ जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स या जो सेपरेशन के लिए जो हमारे पास टीम है, तो अभी हमारे साथ अप्रॉक्सीमेटली 40-50 लेडीज़ कनेक्टेड है इस काम में, जो सेपरेट करती हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट बनाती हैं, तो उनसे उनको भी रोज़गार मिलता है और उन्हें वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे कि सबका साथ में बेनिफिट होता है।